तो भाइयों गुड इवनिंग, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, क्या आने वाले कल क्या हो सकता है और मार्केट में आज क्या रहा, इसके बाद आपका राशिफल। तो देखो आज क्या बताया था, दोनों साइड मार्केट रहेगा और आपने देखा भी होगा दोनों साइड मार्केट रहा और बंद माइनस में हुआ। मतलब अगर कोई ट्रेड करे तो जहां ले वहां स्टॉप लॉस, मुश्किल से ट्रेड 20-30 पॉइंट की बनती है ऐसे मार्केट में, ठीक है। अभी मैंने आपको परसों भी बताया था, कल भी बताया था कि जहां लॉस होता है 10 रुपये पे, या जो ट्रेड आपकी बढ़ती नहीं है ऊपर, मान लो मैंने एक ट्रेड कॉल डाली थी 260 रुपये पे, वो एक बार गई थी शायद 260 या दो बार टच किया है 260-62, फिर गई नहीं, तो वो क्या है, वो खरीदनी नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। ऐसे ही होता है, कोई भाव चल रहा है मार्केट में, ऑप्शन का कॉल है या पुट है जो भी है, वो अगर भाव वहीं घूमता रहता है, ठीक है, जिस प्राइस से बार बार लौट रहा है उसके ऊपर जब काटे उसको जब खरीदो। अगर आप चार्ट टेक्निकल कुछ भी नहीं जानते तो आप देख रहे हो मोबाइल में वॉच लिस्ट लगा ली, उस प्राइस से ऊपर निकले तो खरीदो, इसका मतलब ऊपर जाएगा। जब उसको क्रॉस ही नहीं कर रहा प्राइस को, इसका मतलब है ऊपर नहीं जाएगा, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा मैंने बताया था लॉन्ग पोजीशन में इंश्योरेंस आपने कवर करना है, मतलब 1 लाख की पुट खरीदो या कॉल खरीदो तो 20,000 की दूसरी डायरेक्शन में जरूर खरीदो, नेगेटिव मत खरीदो। मैं आपको 3-4 दिन ये चीज़ें ध्यान दिलवा दूंगा, अगर आपको ध्यान रहती है और एक पोजीशन काटने का मलाल मत करोगे क्या होगा। अभी कल से क्या होने वाला है कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक मिलके दोनों मर्जर हो जाएगा, इनका HDFC बैंक बन जाएगा। अभी ये और घातक होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, मतलब आप बैंक निफ्टी देखना है तो HDFC बैंक की चार्ट लेके बैठ जाओ, बस वो जैसे कर रहा है वहां कॉल पुट खरीदो, बैंक निफ्टी की चार्ट देखो ही मत बेशक। अगर उसकी देख रहे हो तो इसको जरूर देखो, क्यों कि इसका जो वेटेज है निफ्टी में 50% से ऊपर हो जाएगा, 52.4% जो है HDFC बैंक का हो जाएगा, और करीब 23% ICICI बैंक का है, तो 75% में तो ये दोनों बैंक हो गए, बाकी तुम कूदते रहो कुछ भी क्या करेगा मार्केट। या तो कभी PSU बैंक अच्छे बढ़ गए काफी तो फिर कोई अंतर आएगा, नहीं तो अभी HDFC मास्टर हो जाएगा। लास्ट में क्या किया, 14-15 या 18 पॉइंट HDFC बैंक गिरा और बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट ऊपर से नीचे आ गया, मतलब माइनस में तो उतना नहीं गया 250, पर ऊपर से इतना नीचे आ गया था 200-225 पॉइंट, ठीक है। तो HDFC अकेला बैंक आपका बैंक निफ्टी चलाएगा कल से, समझ गए ना बात। दूसरा जो रिलायंस है, इसका वेटेज 10.8 था इसमें निफ्टी में, निफ्टी 50 में, और HDFC बैंक का हो जाएगा 14.3%। अब लगाओ 25% हो गया दोनों का मिला के। अब निफ्टी को चलाने के लिए मतलब ये हुआ, आपको HDFC और रिलायंस को देखो, ठीक है, निफ्टी फिर भी चल जाएगा क्योंकि उसमें 50 स्टॉक हैं और बहुत सारे दिग्गज हैं, वो 4-5 मिलके चलते हैं तो काम हो जाता है निफ्टी का फिर भी, लेकिन बैंक निफ्टी का तो नहीं होगा ना, तो ये चीज मैं सोचा आपको बता देता हूँ, इसलिए बताइए। कल का मैंने पैरेलल योग बताया, देख लेना जिधर चलता है मार्केट करीब उधर ही जाएगा, पर पॉसिबिलिटी ऊपर की है, उसका मैं कारण बता देता हूँ क्यों मेरे को लग रहा है। ज्योतिष में तो मेरे को पैरेलल में बताया, दोनों मेरा डिसीजन कोई नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव होगा वो मेरे को नहीं पता, छोटा मोटा पता भी है तो वो मैं बताने की हालत में नहीं, सुबह मैं अपडेट कर दूंगा, फिर भी जल्दी करूंगा कल सुबह। उसका क्या कारण है कि जब आपने देखा होगा एक पुट थी 270 पे ली थी शायद,
इसकी 44,900 की थी या कौन सा मेरे को ध्यान नहीं, उसका प्राइस गया 303। ठीक, तो जहाँ से दिए बैंक निफ्टी आया 125-150 पॉइंट नीचे और पुट कितनी बड़ी 30 रुपये, ऐसा कभी जीवन में नहीं होता। उसका कारण क्या हो रहा था, क्यों नहीं बढ़ रही थी वो, जबकि एक्सपायरी कल है। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे जो पुट हम खरीद रहे थे, पुट राइटर उसको राइट कर रहे थे, उनको ये उम्मीद नहीं, मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे जाएगा मार्केट, बेशक चला जाए कोई न्यूज आ जाए या दूसरी बात है, पर उन्हें लग रहा है वो हमने जितनी पुट खरीदी क्लाइंट या जो भी मेरे आपकी तरह, वो उससे ज़्यादा उसको राइट किया जा रहा था। और देखते ही देखते बैंक निफ्टी ने ज़्यादा रिकवरी नहीं ली नीचे से, और उसका प्राइस आ गया 250-245 रुपये। बताओ, मतलब जहाँ से गिरा वहाँ से वो बढ़ी नहीं उतनी, लेकिन उससे ज़्यादा डबल में कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर उसको राइट कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। ये कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। ज्योतिष के हिसाब से मैं इसलिए नहीं बता रहा, एक्सपायरी भी है प्लस है, आपको पैसा मिलेगा अच्छा है, इतना जरूर है कल, ठीक है। मैं एक दो टाइम भी है वो बताऊंगा आप लोगों को बाद में। मेरे को जो वैसे लगता है, चलो मैं तुक्का मारता हूँ, पहले मार्केट आपका ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है, और सेकंड हाफ में डाउन आना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पर वो पता नहीं कौन सा होगा, तो उसके हिसाब से जो बनेगा बता देंगे, ठीक। इसके बाद मैंने आपको फ्राइडे का नहीं बताया था शायद, उसमें अप डाउन में डाउन साइड है शायद, स्टार्टिंग में रहे मार्केट फ्राइडे को और 11 बजे और 13:10 का, ये दोनों टाइम तेजी के हैं, इन पे आपने चेक करना है 14 तारीख की जुलाई का बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बंद के टाइम वो ध्यान नहीं रहता फिर, तो आप लोग उसमें रहते हो, ठीक है। मतलब पहले हो सकता है मार्केट डाउन रहे, इस टाइम पे आप लोग देख लेना 11 बजे और 1:10 पे, यहाँ से अगर तेजी आती है तो तेजी आएगी। कल के दो टाइम है, मैं आपको दूंगा, हो सकता है मैं डाल दूंगा, उनको देख लेना, ये नहीं कि वो श्योरिटी वाले काम करेंगे, पर हाँ कहीं ना कहीं वो करेंगे। तो मेरा मानना ऐसा है पहले हम एक बार ऊपर जाना चाहिए, पहले तो ऐसे ही घुमाएंगे हो सकता है ना, फिर 11 बजे के आजू बाजू से हो सकता है ऊपर जाएंगे, और लास्ट में फिर हम एक बार जैसे होता है वहाँ पर फिर डाउन आना चाहिए, तो वो टाइम मैं आपको बता दूँगा। अभी आपको राशिफल बताते हैं, तो चैनल को आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। और जो सर्विस लेना चाहते हैं, अभी सबसे अच्छा मैंने देखा है कि पिछले करीब मई और जून में मिला के देखें, 2.25 महीने में 3 गुने हो गए स्टॉक। जो स्टॉक थे इक्विटी में, वो हमने जो बताए थे वो 3 गुने हो गए अपने प्राइस से। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था, काफ़ी बताया था स्टॉक के बारे में कि ये सेक्टर चलेंगे, उनमें ये चीज़ लगी हो तो ये चलेंगे, ऐसे सारी चीज़ बताई थी। अब वही स्टॉक चले हो और आप लोग देख लो वहाँ पर, ठीक है। तो वही है जो प्रीमियम सर्विस कॉमोडिटी है जिसमें काम करना चाहते हैं आप लोग, व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, देख लेना। मैं टेलीग्राम पर भी बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, ये जिसकी इच्छा है वो ले सकते हो, ऐसा कोई ज़बरदस्ती ये नहीं है, ठीक है। कुल मिला के आज मार्केट ठीक नहीं था, वैसे देखा जाए तो कमाने वाला नहीं था। अभी बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि कमजोर है, 1.5 पॉइंट है। वृषभ राशि भी कमजोर है, 2 पॉइंट है। मिथुन राशि 3 पॉइंट है, और कर्क राशि के 2.5 पॉइंट है। सिंह राशि के 3, कन्या राशि के 2.5, तुला के 4,
और वृश्चिक के 3.5, धनु के 3.5, मकर राशि 2.5, कुंभ राशि 3 और मीन राशि 1.5। तो जो कमजोर राशि है वो मेष, वृषभ और मीन राशि है, बाकी राशि ठीक है। और कल प्रॉफिट भी सबको अच्छा होने वाला है, इतना मेरे को पता है। ठीक है, चलो तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।